नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़ में। पूजा, एक नजर डालते हैं देश और प्रदेश की फटाफट खबरों पर। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रसोई शाला में 40 से अधिक चूल्हों को तोड़ने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त जे महापात्रा को किया गिरफ्तार। आरोपी ने कबूला गुनाह, खुद को बताया महाप्रभु का भक्त। पार्सल के जरिए मंगवाई गई 97 तलवारें, कुरियर से हथियारों की हुई डिलीवरी, देख पुलिस भी रह गई हैरान। पंजाब से लाई गई थी तलवारें, औरंगाबाद पुलिस के द्वारा किया गया जब्त। 5 दिन बाद पुणे के पिंपरी चिंचावड़ में 97 तलवारें और 2 खंजर बरामद। लकड़ी के बक्सों में छिपाकर लाई गई थी तलवारें और खंजर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को गोपालगंज में विस्तारित करने की कोशिश को पुलिस ने स्पेशल सेल ने किया नाकाम। इस गैंग से जुड़े शूटर विवेक पुरी समेत 3 कुख्यात अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के हर जिले में गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री अद्भुत कोचिंग की निःशुल्क सुविधा का लाभ उठाने की जा रही अपील। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इसी महीने के अंत से प्रत्येक जिले में शुरू होंगे कोचिंग सेंटर। और सेनाई की आवाज सुन दूल्हे के घर पहुंचे मंत्री, बोले पत्नी संग हमें देना वोट। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में इन दिनों चुनावी मौसम के चलते विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी दल कांग्रेसी और विपक्षी दोनों ने ही अपनी झोंक दी है पूरी ताकत। दोस्तों से शर्त लगाना युवक को पड़ा भारी, घटक क्या 10 गिलास शराब। हालत बिगड़ने पर उपचार कराने के लिए किया गया भर्ती। घटना खबर पानी के ट्रेनी गांव के रतन नाम के युवक ने लगाई थी 10 गिलास शराब पीने की शर्त। उत्तर प्रदेश के शामली में थाना भवन पुलिस के द्वारा अनिल और पिंटू से बरामद की गई विदेशी AK-47 राइफल की एक्सपर्ट से करवाएगी जांच। बड़ी साजिश की ओर इशारा, आखिर क्या है AK-47 का राज। ड्रम मैगनीज पर रोमानिया और राइफल में छुपा है चाइनीज अक्षर, जल्द सामने आएगी हकीकत। राजधानी भोपाल में करिया सोन नदी पर बने पुल के श्रेय लेने को लेकर हुई राजनीति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को पुल का किए उद्घाटन। इस पर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर कसा तंज, कहा क्रेडिट खाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। युवा संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के युवाओं को किया संबोधित। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े उनके सवालों का दिया जवाब। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया गया कार्यक्रम। 52 जिला मुख्यालय और शासकीय विद्यालयों से स्थापित वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से 25,000 से अधिक विद्यार्थियों ने किया संवाद। और मध्य प्रदेश में दिन का पारा 44 के पार, बच्चों को राहत देने कई जिलों में स्कूलों का समय बदला। प्रदेश के 13 जिलों में अगले 24 घंटे में लू चलने की आशंका जाहिर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना, बोले इनके समय मध्य प्रदेश कंगाल हो गया। कांग्रेस नेताओं के आंदोलन और सदस्यता बढ़ाने के अभियान के दावे सुनकर नरोत्तम हो गए हैं बोर। मध्य प्रदेश में क्राइम रेट दिनों दिन रहा बढ़, ऐसे में पुलिस को और अधिक साधनों की आवश्यकता। डायल 100 की हालत खस्ता, कई गाड़ियां खराब, कैसे मिलेगा समय पर न्याय। मध्य प्रदेश में 100 लगाओ पुलिस बुलाओ योजना के तहत 1 नवंबर 2015 को पुलिस की डायल 100 एकीकृत प्रतीक्षा सेवा का हुआ था शुभारंभ। और जमीन के विवाद से परेशान युवक 5वीं बार चढ़ा पानी की टंकी में। रायसेन जिले का रहने वाला है रितेश गोस्वामी, अपने जमीनी विवाद के कारण है बेहद परेशान। भोपाल आकर 3 बार पानी की टंकी पर चढ़कर न्याय की लगा चुका है गुहार। 15 करोड़ की पकड़ी गई ड्रग को जांच के लिए भेजा गया फॉरेंसिक लैब, आला अधिकारी जांच में जुटे। पुलिस के द्वारा की जा रही जगह जगह छापेमार कार्रवाई, पकड़े गए आरोपियों से सख्ती से हो रही है पूछताछ। मुजफ्फरपुर से लाई जा रही थी ब्राउन शुगर की खेप, कई राज्यों में फैला हुआ है नेटवर्क। 3 महीने में 13,63,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। प्रदेश में निवेश लगाकर योजनाओं के अवसर किए जा रहे हैं सृजित। प्रदेश में 650 से अधिक नई इकाइयों में होगा 40,000 करोड़ से अधिक का निवेश। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर के स्टार्टअप की प्रशंसा, युवा व्यवसाय में नवाचार करें, राज्य सरकार उनके साथ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ। अब मानना मामले में सीईओ के खिलाफ जमानती वारंट जारी। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सिंगरौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हाजिर होने का जमानती वारंट किया जारी। साथ में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को हाजिरी सुनिश्चित कर जवाब पेश करने का दिया निर्देश। मुख्य न्यायाधीश रवि माली मठ व न्यायमूर्ति गुलशन कुमार कौरव की युगल पीठ के समक्ष हो रही मामले की सुनवाई। और मध्य प्रदेश में होगी स्टेम सेल थेरेपी आधारित बोन मैरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना। प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में प्रारंभ होगी यह सुविधा। पत्नी के चरित्र पर शक करना पति को पड़ा महंगा, 18 महीने के बेटे का डीएनए टेस्ट करवाने को कहा तो मां ने बेटे की कर दी हत्या। अनूपपुर में कलयुगी मां ने उतारा 18 महीने के बेटे को मौत के घाट। रोज होने वाले क्लेश से तंग आकर मां ने की बच्चे की हत्या, महिला को अनूपपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हंगरी में बड़ा ट्रेन हादसा, 5 की मौत, 10 से अधिक घायल। दक्षिण हंगरी में ट्रक और एक छोटी मोटर ट्रेन के बीच हुई टक्कर, श्रमिकों को ले जा रहा था छोटा ट्रक पटरी पर गिरा, छोटी मोटर ट्रेन से टकराया।
युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूद कर दे दी जान, नहीं हो पाई पहचान। रेवाड़ी जिले में युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूद कर किया अपनी जीवन लीला समाप्त। दोनों के ही शव दिल्ली रेल मार्ग पर मिले। जीआरपी पुलिस ने मामले की शुरू की जांच। एटीएम कटर गैंग कार्ड सेव करके देती थी ठगी की वारदात को अंजाम। गैंग के 4 सदस्य शहाबुद्दीन आमिर रसीद मुबारक के पास से बरामद हुए 94 एटीएम कार्ड लाखों की ठगी का हुआ खुलासा। क्राइम ब्रांच ने 21 बैंकों को पत्र लिखकर इन कार्डों की मांगी जानकारी। आरोपी 8 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर। हमीदे अस्पताल में सोमवार को बिना चीरफाड़ के रीढ़ की हड्डी का हुआ ऑपरेशन। मरीज के अस्पताल से दूसरे दिन हुई छुट्टी। सर्जरी करने वाले चिकित्सकों ने दावा की मध्य भारत में पहली बार यूनिलैटरल बायोपोर्टल एंडोस्कोपी तकनीक से हुई सर्जरी। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार।